का प्रोडक्ट है, तो इतनी कितना से रोड को तो कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो इसके दो से तीन तरीके हैं रोड पर, आपको मैं दो तीन तरीके सारे बताऊँगा। आप पहला तरीका तो ये बनता है दोस्तों कि जब भी आपको ऐसे प्लस में दिया, जिसमें आप सबके बीच में प्लस है ना, तो प्लस में दिया होगा ना, तो हमें क्या करेंगे 20 का फैक्टर कर लीजिए आप। 20 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 4, 5 गुना 4। और दोस्तों ये देखना है इसमें कि फैक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिनके डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक हो। जैसे यहाँ पे दे सकता है 6 + 6 + 6 + 6, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2। देखिए यहाँ डिफरेंस हो गया एक, अगर 6 होता तो यहाँ पे डिफरेंस एक होना चाहिए दोस्तों। वैसे तो 10 गुना भी 20 होता है, तो 10 और 2 में 8 का डिफरेंस जाएगा, हमें 1 का डिफरेंस चाहिए। तो दोस्तों 20 को लिख दिया मैंने 5 गुना 4, 20 को मैंने 5 गुना 4 लिखा दोस्तों। तो और यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी तक है और यहाँ सब दूर प्लस है, जब प्लस का केस होना तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा जब दोनों का डिफरेंस 1 हो। मतलब ऐसे केस में बड़ी संख्या हमारा 5 हो जाएगा हमारा आंसर। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन नीचे ऐसा ही दे रखा है कि 20 - 20 - 20 - 20 - ये ऐसे माइनस में दे रखा है, ये भी इन्फिनिटी तक। तो इसका 20 का फैक्टर यहाँ होगा 5 गुना 4, और यहाँ सब जगह माइनस है दोस्तों, इसलिए माइनस के केस में छोटी संख्या हमारा आंसर होगा और प्लस के केस में बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। पर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पे जैसे यहाँ तो 20 था और हमें 1 का डिफरेंस तो मिल गया, सपोज करो यहाँ 21 होता, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जिसका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, 7 या 21 होगा, लेकिन 7 और 3 का डिफरेंस 4 होता है दोस्तों। तो ऐसे केस में हमें क्या करेंगे दोस्तों, ये तो पहला मेथड हो गया हमारा। और ऐसे केस में एक फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला आप याद रख लेंगे ना तो आपको बहुत ईजी याद हो जाएगा, इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला ये बोलता है कि रूट में आपको लिखना है 4a + 1 अपॉन में 2 + 1। देखिए दोस्तों 4a + 1 को ही आपको रूट में लेना है बस, बाकी ये प्लस वन बाहर रहेगा अपना अलग। अब इसमें क्या होगा, आप जो ये a आएगा यहाँ पे, ये a यही है दोस्तों, 20 को ही रखना है आपको। तो देखिए 20 चौक 80, ये तो फिर ये तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, आप इससे भी कर सकते हैं इस सवाल को, आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों इसी सवाल में आ जाता कि 21 + √21 + √21 + √21, तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ आप 21 रखते तो 21 चौक 84 + 1 86 का रूट निकल आएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम इसी को करते हैं, अगर ये 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 रखूँगा तो 20 चौक 80, 80 और 1 हो जाएगा 81। 81 का किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, ये 81 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 9 का होता है, और 9 + 1 ही से ऊपर बटे में आ गया 2, मतलब 9 और 1 = 10, तो मेरा हो जाएगा आंसर 5। मतलब आप इस फार्मूले से करिए दोस्तों, तो बहुत ईजीली हो जाएगा आपका फर्क। जब दोस्तों ये तो था हमारा प्लस के केस में, अगर इसी माइनस के केस में सवाल दिया हो और 20 की जगह 21, 22, 23 कुछ भी दिया हो दोस्तों, तो बस फार्मूला वही रहेगा हमारा 4a + 1, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस यहाँ प्लस था तो इस केस में यहाँ माइनस आ जाएगा और अपॉन में 2 रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 को आप यहाँ रखेंगे तो 20 चौक 80 और 81 किसका वर्गमूल है, 9 का, तो 9 - 1/2 मतलब हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसमें √5 √5 √5 ऐसा इंफिनिटी तक जा रहा है दोस्तों। तो √5 √5 √5 या √4 √4 √4 ऐसे जो कोई भी संख्या दी हो यहाँ पे जो इन्फिनिटी तक जाती है, तो उस केस में हमारी संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगी। मतलब दोनों क्वेश्चन लिए मैंने दोस्तों, देखिए कि अगर मैं √5 √5 √5 एक बार 5 बार लेता हूँ और एक बार मैं अगर अनंत तक लेता हूँ, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कि जब ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो 5 हमारा आंसर होगा, और जब ये 5 बार में रुक जाएगा 1 2 3 4 5 बार, तो फिर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, आपको जब यहाँ 5 या सब जगह 5 दिया हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, 5 लिखिए, ये जो 5 है वो लिखा, उसकी पावर 1 कर दीजिए, 5 की पावर 1 कर दीजिए, माइनस करना है आप 1 लिख दीजिए, और 1 के बटे में 2 लिख दीजिए आप। इसको आप बस याद रख लीजिए कि जितनी जो यहाँ अगर √6 √6 √6 √6 होता दोस्तों, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 6 लिखता, बस यहाँ 6 लिख देता, बाकी तो ये पूरा पैटर्न लिखना है दोस्तों कि 1 - 1 / 2। अब 2 की पावर कुछ लगाना है दोस्तों, जो ये 5 है ये कितनी बार है,
एक दो तीन चार पाँच, तो एक पांच बार दोस्तों, तो मैं दो की पावर पांच कर दूँ, बस यही आपका फार्मूला बोल सकते हैं दोस्तों। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पांच की पावर क्या हो गया दोस्तों, वन माइनस वन अपॉन टू की पावर फाइव, मतलब हो गया दोस्तों ये 32, तो ये हो जाएगा दोस्तों फाइव की पावर 32 एकम 32 और एक गया मतलब 31 बाय 32, मतलब 5 की घात 31 बटा 32 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूट एक्स, तो आपने इसको तो कर लिया कि रूट फाइव था दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, आपको क्या लिखना है दोस्तों, वहाँ पे 5 था तो हमने 5 लिखा था, यहाँ पे एक से तो हमने एक्स लिखा, एक्स की पावर 1 करी, माइनस 1 अपॉन 2 लिख दिया दोस्तों। अब 2 की पावर कितना करना है दोस्तों, ये एक्स कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार, तो यहाँ आपको 3, बस आप इसको सोल्व कर लो, एक्स की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, मतलब 8 हो गया 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स की पावर 8 एकदम 8 और एक गया 7, मतलब 7 बटे 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।